आज मैं जा रहा हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीणी। वो मुझे लगता है ये सामने जड़ा है। चलिए चलिए आप चलिए आप चलिए आज हम चलिए आइए सर। बहुत बहुत बधाई आप। तो आज मैं जा रहा हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीणी। अभी जिया चौक से जा रहा हूँ मैं आगे। के पास से मैं मुड़ जाऊंगा नाऊपनाऊ वाली सड़क पर ज्वालापुर की ओर, और वहीं नाऊपनाऊ से आगे आएगा मेरा गंतव्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीणी। बस मुझे यहीं से मुड़ने देखिए। यही सड़क प्राश ऋषि मंदिर की ओर भी जाती है, लेकिन मैं कभी इस रास्ते से प्राशर नहीं गया। मैं नाऊ तक ही यहाँ गया हूँ कुछ किलोमीटर पर, लेकिन आज मैं नाऊ से 5-4 किलोमीटर आगे जाऊँगा। जड़ा या जाड़ा कुछ ऐसी जगह है, वहाँ तक मैं जाऊँगा जहाँ खीणी स्कूल है। तो आज मैं जा रहा हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीणी नाऊपनाऊ से आगे। अभी मैंने दाई तरफ का रुख किया है पनारसा से, और इसी रास्ते से होकर पनारसा से दाई तरफ पीछे की ओर से सड़क जाती है खीणी स्कूल के लिए नाऊपनाऊ के आगे। तो वहीं मैं आज जा रहा हूँ वहाँ के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए। काफ़ी घुमावदार सड़क है, सड़क तंग है, घुमाव ज़्यादा है, लेकिन आनंददायक है। खमराधा 0 किलोमीटर। तो ये पहुंच गए हम खमराधा। गांव तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे की ओर कुछ घर नजर आ रहे हैं। तो दूर ऊपर ऊपर तक नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक घर। वाह, बड़ी खूबसूरत जगह है। हम जितना जानते हैं उससे भी आगे जाकर बहुत खूबसूरत दुनिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जड़ा 2 किलोमीटर पहुंचने वाला हूँ। जड़ा 1 किलोमीटर, बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ मैं। अभी तो जंगल तो तबाह कर दिए गए, जला जला कर हालत खस्ता कर दी है। देखिए पूरा का पूरा जंगल काला नजर आ रहा है। घास तो घास, मिट्टी तक जल चुकी है। वो मुझे लगता है ये सामने जड़ा है, जड़ा खीणी सड़क। अच्छा खीणी नीचे होगा, जड़ा खीणी सड़क। तो ये जड़ा है आगे, सामने जो गांव दिख रहा है। अच्छा ये स्कूल है ऊपर। वाह, नजर आ गया मुझे दाईं तरफ। ये जड़ा है और दाईं तरफ मुझे स्कूल नजर आ रहा है ऊपर की ओर। स्कूल के लिए यही रास्ता है। अच्छा आगे जैसे लगाऊं, यहाँ मैं लगा देता हूँ गाड़ी मोड़ करके। आगे से आता हूँ, आगे से मोड़ता हूँ जरा गाड़ी। तो स्कूल से थोड़ी आगे आकर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ, और अब मैं पैदल जाऊंगा स्कूल की ओर। तो अभी मैं पैदल सफ़र तय कर रहा हूँ स्कूल तक का। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए इस हरे घर के पीछे पीली सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, पीला भवन। यही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीणी है। तो इसी विद्यालय तक मुझे पहुँचना है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जड़ा का। तो यहीं जहाँ से घोड़े नीचे उतर रहे हैं, यहीं से मुझे ऊपर चढ़ना है। यही रास्ता स्कूल का है ना? अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो बड़े खूबसूरत गांव में मैं पहुंच गया हूं ऐसा लग रहा है मुझे।
नमस्कार जी, आप कहाँ स्कूल ही जा रहे हैं क्या? जी स्कूल जा रहे हैं। अच्छा स्कूल ही जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। आप वहाँ टीचर हैं या पब्लिक की ओर से? बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा। चलिए चलिए चलिए, आवाजें आ रही हैं। चलिए चलिए, आप चलिए, आप चलिए, आज आप चलिए, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। ये देखिए, यहाँ है विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थी खड़े हैं यहाँ। आगे तो बधाई आप सबको बच्चों, अभी मुख्य अतिथि आने वाले हैं। अच्छा मुख्य अतिथि नहीं आए अभी आपके? आइए आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। हेडमास्टर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ये तो इनका प्रताप है सारा। हमारे बीच में बहुत ही प्रतिष्ठित ये रोड कनेक्ट बांदी को प्रसर को बांदी प्रसर, ये आस पास मतलब बहुत खूबसूरत ग्रीनरी ब्यूटीफुल वैली आ गई। नहीं बाकी बहुत बड़ा अच्छा लगा तो सर, बहुत अच्छा लगा। आप कभी तुंगा भगवती गए ऊपर? नहीं मैं नहीं गया। मैडम भी कुल्लू से है। अच्छा सर, मंडी के हैं पर कुल्लू का इनको इतना शौक है ना, इनका कभी देखो थारा कर्डोरी सौ जानते ना, उन्होंने बनाया थारा कर्डोरी सौ पूरा उसके 37 एपिसोड आ चुके हैं। यस यस यस, उनको देखिए आप। वो ऐसा होता है ना कि गुरु को उठाने वाले चेले होते हैं, अगर वो बोले अच्छा तो लोग मानने शुरू कर जाते हैं, वो कितना भी बुरा क्यों ना। ए मैडम हमारे जी हमारे बीच में से पहले हमारे साइंस टीचर, अच्छा अच्छा, ये भी आ जाए। नमस्कार जी सभी को, नमस्कार। सर भी मंडी से ही है और ये कुल्लू वैली से इतना प्यार है, जाते रिटायरमेंट के बाद कुल्लू ही रहना भाई।